पीछे हटो, यहाँ डकैती चल रही है। मैं चोर हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। मैंने ये समरसॉल्ट मारा और अब आगे जा रही हूँ। चोर को रोको। अरे वह कहाँ गई? कितना अजीब है, मैं उसे हर कोने में ढूंढूंगा। मैं भेष बदलने में माहिर हूँ। गार्ड के वापस आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, रास्ता साफ है। क्या यह लाइब्रेरी नहीं है? ओह, और यह क्या है? यह मैं क्या देख रहा हूँ? किसी ने पैसे का एक पूरा बैग गिरा दिया। हमें इसे उठाकर घर ले जाना होगा। मेरा मतलब है, इसे मालिक को देना होगा। अरे ये इधर है, चोर यहाँ है। तुम पकड़ा गए हो चोर, तुम्हारी जगह जेल में है। वहाँ जाओ और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अब तुम्हें समझ में आएगा कि बैंक से पैसे चुराने का फल क्या होता है। और तुम भी चलो चलो अंदर जाओ। ओह, इसे अंदर करना कितना मुश्किल था। मुझे फंसाया गया है। किधर देखना है? सीधे कैमरे में, और सीधे खड़े रहो, अपना सिर उठाओ। इस तरह? क्या आप ठीक है? हाँ, बस ऐसे रहो, हिलो मत। अब मैं फोटो खींचूंगी। मुझे लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ। यह क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि पलक मत झुकाओ। क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते? मैं तुम्हारी आँखों को क्या करूँ ताकि तुम उसे बंद ना कर सको? इस फ्लैश ने मुझे अंधा कर दिया, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अपना धैर्य खो रही हूँ क्विंचन, और मुझे अपना धैर्य खोना पसंद नहीं है। ये सब तुम्हारे चश्मे के लेंस की वजह से है। इसे फेंक दो, यह केवल डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओह, सब कुछ कितना संकीर्ण है। अब यह बिल्कुल अलग मामला है। यह तुम्हारे लिए और भी बेहतर है क्विंचन, मुस्कुराओ। आखिरकार फोटो में तुम्हारी आंखें दिखाई दे रही हैं, हालांकि वे तुम्हारी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट। ओह, यह तो बहुत हैंडसम है। मैडम, क्या मुझे यहाँ खड़ा होना है? वैसे मैंने मॉर्निंग स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। वाह, कितना मजबूत है। वाह, ये बाइसेप्स, वो फ्रेम में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, और इस तरह भी, और इधर इस एंगल से भी लो। ओह, वैसे मेरा नाम जैक है, मुझे काम के बाद मिलो। ठीक है जैक, तुम इतने शानदार तरीके से पोज देते हो, मैं तुम्हारी 100,000 तस्वीरें लेने के लिए तैयार हूँ। तुमने एक फोटोग्राफर के रूप में मेरी प्रतिभा को जगाया है। और अब चलो एक साथ एक तस्वीर लेते हैं। ये एक साथ हमारी पहली तस्वीरें होंगी। हम उनका प्रिंट आउट लेंगे और उन्हें एक फैमिली एल्बम में पेस्ट करेंगे। हम उन्हें अपने बच्चों को दिखाएंगे, और वे अपने बच्चों को। एक लंबा और खुशहाल जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना चाहता। और वैसे भी तुम मेरा फ्रेम खराब कर रही हो। पता नहीं जेल की वर्दी मुझे सूट करेगी या नहीं। चलो फोटोशूट जारी रखें। वह क्या था? मुझे लगता है मैं अपने होश में आ गई हूँ। ठीक है कैदी, अपना संकेत पकड़ो और अपने सेल में वापस जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह रहा तुम्हारा सेल, जहाँ तुम्हें अपने बाकी के दिन बिताने हैं। और यह लो जो तुमने रिक्वेस्ट की थी। ओह, मैं गाड़ी से टकरा गया था, जिसमें किताबें थी। अब मैं अपने पूरे जीवन पढ़ सकता हूँ, और कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। और यहाँ मेरा कमरा है, अब वह मुझसे अलग हो जाएगी। हाँ, जाओ इधर और चुपचाप से बैठो। यहाँ बुरा नहीं है। वाह, एक वॉश बेसिन भी है, और यह पढ़ाकू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। क्या तुम्हारे लिए गाड़ी उठाना इतना मुश्किल है? ओह धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें किताबों की क्या जरूरत है? यहाँ मैं अपने लिए एक बारबेल लगाऊंगा और पूरे दिन उसके साथ बिताऊंगा। अरे वह क्या खींच रही है? यह मेरा बैकपैक है, उसे देखना मजेदार है। एक लेडी के लिए इतना भारी चीजें अकेले ले जाना सही नहीं है। मुझे इसे लेने दो, यह मेरा है। वाह, वह इतना मजबूत और हैंडसम है। मैं फिर से उसके प्यार में पड़ रही हूँ। हाँ, हम कुछ भी नहीं भूले हैं। खैर मिस सूजी, मेरी चीजें लाने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। वो अपने हाथों से ऐसे कैसे करता है? मैं ये नहीं कर सकता। इसे नीचे रखो, जेल के नियमों का पालन करो। मेरी नजर तुम पर है। अब मुझ में उतना आकर्षण नहीं रहा, मुझे पहले की तरह होना होगा। मैं बिना स्पोर्ट्स के नहीं रह सकता। मेरे पास एक बारबेल कहीं पड़ा था। बाप रे, उसमें कितनी चीजें हैं। बॉक्सिंग ग्लव्स, रोलर्स, यह तलवार। यहाँ मेरा बारबेल है, मैं बास्केटबॉल के पीछे पड़ा था। चलो पढ़ाकू, मुझे मेरा बारबेल दो। हाँ, मैं भी देता हूँ। ओह, कितना भारी है, मैं इसे नहीं उठा पा रहा। हे, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? लेटना नहीं बल्कि उठाना जरूरी है। देखो बस ऐसे ही 150 बार के 3 सेट।
और दूसरी ओर और अंत में ट्विस्ट। ओह, तुम एक टर्मिनेटर हो, वाह। ओह, सांस पर कंट्रोल, मैं स्थिति में आ रहा हूँ। मैंने स्ट्राइक किया और दुश्मन बेअसर। ओह, तुमने मुझे डिफ्यूज कर दिया। और एक बार फिर से जोर से। ओह, क्या चल रहा है? उसने मुझे हरा दिया, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्विंटन, एक मर्द की तरह उससे निपटेगा। तैयार हो जाओ जैक, कोबरा स्ट्राइक। ओह नहीं, ओह, यह काम नहीं किया। यह सब करना कितना मुश्किल है। आ, मैंने अपनी मुट्ठी तोड़ ली। बेवकूफ, तुम बहुत फनी हो। देखो और सीखो कि कैसे होना चाहिए। इसे कहते हैं पावर, चैंपियन का पंच। क्विंटन ने लगभग दीवार में छेद कर दिया। अरे पढ़ाकू, क्या तुम ठीक हो? मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। यह तुम लो, अपनी फेवरेट किताब। ए, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? और हम इसे अभी ठीक कर देंगे। अब कोई भी कुछ भी नोटिस नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। मेरे पास भागने की योजना है। क्या? क्या वो अपने नंगे हाथों से सलाखों को अलग कर रहा है? और स्वतंत्रता के लिए मेरा रास्ता तैयार है। बाय लूजर, तुम्हारे समय अच्छे से बीते। यह क्या है? क्या तुम यहाँ से भागना चाह रहे थे? कौन, मैं? नहीं, मैं कुछ ताजी हवा लेना चाह रहा था। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज मेरे लिए? ओह, तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद जैक। ओह, जिसे पसंद करते हो उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। ओह, धन्यवाद जैक, मैं खुश हो गई। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अब बेशक सूजी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दिल बनाया है। वाह, अभी मेरे फ्री होने का मौका है। जबकि जैक इसका ध्यान हटा रहा है, मैं चाबी चुरा लेता हूँ और सेल को खोल लेता हूँ। किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बस ध्यान रखना है कि सभी काम सावधानी से करना है। वाह, मैंने कर लिया। बाय बाय लव बर्ड्स, मैं स्वतंत्र जीवन के लिए जा रहा हूँ। चलो एक दूसरे को किस करें। मेरे पास आओ, आ जाओ। पढ़ाकू, मुझे बचाओ, वो कहाँ है? अरे पढ़ाकू भाग गया। क्या, भाग गया? वो कैसे भाग गया? मैं उसे अभी रोक दूंगी। अरे तुम, कानून के नाम पर रुक जाओ और हिलो मत। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बाय। ओह, मैं गिर। हे, तुम भाग नहीं पाए भगोड़े, अपने सेल में वापस जाओ और चाबी लौटा दो। और तुम मेरे डार्लिंग, और तुम चुपचाप से बैठो और अपना सिर नीचे रखो। और तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और अपने काम पर वापस जाने का समय है। आजादी इतनी करीब थी, ये सब तुम्हारी वजह से है जॉब। और एक, और दो, और तीस। आह, यह बारबेल मेरे लिए बहुत हल्का हो गया है। मैं बोर हो गया हूँ। यदि केवल मैं अपने बारबेल के लिए भारी डिस्क चुन पाता, मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, मुझे पता है क्या करना है। निश्चित रूप से इन किताबों का वजन एक टन है, मेरे लिए काफी होगा। हाँ, यह हुई ना बात। मैं अपनी मसल्स को बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। और 4+4 8 बनाता है। क्या, मेरी सारी किताबें कहाँ हैं? और 200, और 201, और 202, मैं मजबूत हो रहा हूँ। तुम मेरी किताबों के साथ क्या कर रहे हो? तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मेरी छोटी किताबें, अरे नहीं, रुको जॉब। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ओह, मैं अभी उठता हूँ, तुम्हारे मजा चखाता हूँ। हाँ, अभी तुरंत। ओह No. शायद तुम्हें मदद चाहिए। नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। हाँ, मैं बस आराम कर रहा हूँ। मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। बस बारबेल को हटाते ही तुमसे निपटता हूँ। ठीक है, तुम अपना समय ले लो, मैं यहाँ एक कोने में थोड़ी देर खड़ा रहने वाला हूँ। मेरी बेचारी छोटी किताबें। मैं अपनी बास्केटबॉल टीम को मिस कर रहा हूँ। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ दीवारें मोटी हैं, मैं सर्विंग की प्रैक्टिस करूंगा। एक और दो। हे नर्ड, क्या तुम बॉल को डॉस कर सकते हो? नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। तुम ऐसे छोटे बच्चे की तरह क्यों कर रहे हो? यह मजेदार है, खेल को बाउंसर कहा जाता है। हाँ, अब फील्ड के दूसरी तरफ। कूल, डॉस करो बेवकूफ। वो मुझे मारने वाला है। आ, मैंने 3 पॉइंटर मारा, तुम लगभग हार गए। क्या, मैं हार गया? बिल्कुल नहीं। अरे पढ़ाकू, तुम क्या कर रहे हो? बस अब मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। देखो वो क्या कर रहा है। यह रहा, मैंने तुम्हारे लिए सूजी ड्राइंग की है, तुम उस पर बॉल मारो। वाह, तुम्हारा आइडिया कितना कूल है।
ये अफसोस की बात है कि ड्राइंग वाली सूजी असली की तरह चिल्लाती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ खेलना पसंद है। हाँ, गेम का पूरा मजा लो जैक। मैंने यहाँ सही निशाना साधा। यह कैसा शोर है जैक? क्या यह मैं नहीं, इसे क्विंटन ने बनाया है। मैं? ओ हाँ, तुम्हारी ड्राइंग बनाने का आइडिया मेरा था। अच्छा, तो क्विंटन अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ हाँ, चलो मैं पकड़ रही हूँ। तो क्विंटन, तुम्हें गेम पसंद है? मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन और तैयार की गई योजना के अनुसार दीवार का सबसे नाजुक हिस्सा यहाँ स्थित है। अब हमें इसे किसी चीज से पंच करने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास एक बेवकूफ लेकिन मजबूत चॉक है। क्या तुम्हें टारगेट दिख रहा है? यहाँ मारो। क्या? बस इसे मारो। अच्छा, मैं अपनी मुट्ठी से टारगेट पर निशाना साध सकता हूँ। मैं यह कर सकता हूँ, मुझे यह टेक्निक किंडरगार्टन में सिखाई गई थी। और एक, दो और तीन, और फिर से इस तरह से। खैर, सब कुछ तैयार है, यह मुश्किल नहीं था। मुझे आगे जाने दो, मैं छेद के माध्यम से क्रॉल करने जा रहा हूँ। मुझे पीछे से धक्का दो, मैं थोड़ा फंस गया हूँ। ओह कूल क्विंटन, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। एक हाथ और फिर दूसरा और फिर, यह काम नहीं कर रहा, लगता है कि मैं फंस गया हूँ। अरे क्विंटन, मेरी मदद करो, चलो खींचो जोर से, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। तो लड़को, तुम्हारा क्या हालचाल है? क्या तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने राज्य की संपत्ति को भी बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, कम से कम मेरे शिफ्ट में नहीं। अरे नहीं, उसने मुझे पकड़ लिया। रुको, उसे मुझे दूर ले जाने मत दो। प्लीज। ओह, क्या मैंने उसके पैंट निकाल दिए? छी। उसके चड्डी पर दिल है लड़कियों की तरह, पर मुझे ये पसंद है। ओह, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा। मैं खींच रहा हूँ। हाँ, हम स्वतंत्र हैं पूरे दोस्त, हम स्वतंत्र हैं, हमने कर लिया, आजादी, हमने कर लिया। रुको, हम कहाँ हैं? यह है अगला कमरा, हम दीवार के माध्यम से अगले सेल में आ गए हैं। अरे नहीं, हमें बाहर जाने दो। ओ हाँ, और मेरे पास इस कमरे की चाबी है, और तुम जेल में दीवार को बर्बाद करने की वजह से हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। जल्दी मिलते हैं। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। क्या आपको वीडियो पसंद आया? फिर मल्टीडू चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कई और मजेदार चुनौतियाँ, दिलचस्प कैरेक्टर और मजेदार घटनाएं आपके लिए इंतजार कर रही हैं। मल्टीडू चैनल पर जल्दी मिलते हैं।